क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 7, दूसरी इक्वेशन है a minus bx plus a plus by equal to 3a plus b minus 2। तो हमसे क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन होने के लिए a और b की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम इसको स्टेटम फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x plus 3y, 7 इधर आके माइनस 7 इक्वल टू 0। अगेन ये इक्वेशन बन जाएगी a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और ये पूरा टर्म इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमसे क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो हमें पता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 किसकी कंडीशन है, इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन होने की कंडीशन है। तो हमको ये पहले रेशियो निकालने होंगे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 क्या है। ठीक है, a1 क्या है इस केस में, a1 है 2, a2 क्या है मेरा a माइनस b, x का कोएफिशिएंट कहलाता है a1, दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट कहलाता है a2। तो ये a1 a2 आ गए, ऐसे ही b1 3 है, b2 a माइनस a प्लस b, ऐसे c1 मेरा है माइनस 7, c2 मेरा है माइनस 3a प्लस b माइनस 2। तो हमें पता है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है ए वन अपॉन ए टू को इक्वल होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू के इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू के। अगर ऐसा होना चाहिए तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे रखना होगा। तो ए वन की जगह मुझे दिख रहा है टू टू, ए टू की जगह दिख रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल की जगह इक्वल, बी वन की जगह दिख रहा है मुझे थ्री, थ्री रख दिया, बी टू की जगह दिख रहा है मुझे ए प्लस बी, ए प्लस बी रख दिया, सी वन की जगह रख दिया मैंने माइनस सेवन, सी टू की जगह रख दिया मैंने माइनस थ्री ए प्लस बी माइनस टू। तो इसमें क्या करूंगा, मैं फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर करूंगा एक बार, एक बार सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से। तो कंपेयर, या फिर इन दोनों को आपस में भी कंपेयर किया जा सकता है। तो पहले दो को कंपेयर करके मुझे रिजल्ट मिलेगा 2 अपॉन ए वन माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी, एंड जब मैं लास्ट के दो टर्म्स को कंपेयर करता हूं तो ये आएगा 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3 ए प्लस बी माइनस 2। अब मैं इनको शिफ्ट करता हूं, a प्लस बी इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है 2 a प्लस बी इज इक्वल टू 3 a माइनस बी, साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं मैं, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, एंड ये 3, ये 3 इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा टर्म इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस है तो माइनस भी, या फिर माइनस रहने देते हैं क्योंकि इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई होगा इससे 3 a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 a प्लस बी। तो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आता है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू आएगा क्या था 3 a माइनस बी, तो 3 a माइनस 3 b इक्वल, एंड दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ था 3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था किसके साथ,
थ्री ए प्लस बी माइनस टू, और इधर मल्टीप्लाई हो रहा था सेवन ए प्लस बी के साथ। तो इस वाले पार्ट को देखते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ए को एक तरफ कर लेते हैं, बी को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये थ्री इधर आ जाएगा, तो टू ए माइनस थ्री ए इधर आ गया, और ये टू भी उधर चले गया, तो वहाँ ऑलरेडी माइनस थ्री भी बचा हुआ था, टू भी उधर जाके भी माइनस बी में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट करेंगे हम सॉल्व करके, तो बन जाएगा माइनस ए और ये बन जाएगा माइनस फाइव बी। माइनस से माइनस कट गया, यानी ए इक्वल टू फाइव बी। अब इसका इस्तेमाल होगा, उससे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने पे थ्री थ्री जा नाइन ए प्लस थ्री बी, थ्री टू जा माइनस सिक्स हो गया, सेवन ए प्लस सेवन बी। अगेन ये बनेगा आपका नाइन ए, ए वाले को इधर ले आओ, यानी सेवन ए, ए के साथ इज इक्वल टू बाकी सबको उधर भेज देते हैं, वहाँ ऑलरेडी था सेवन बी, ये थ्री बी भी उधर जाके हो गया माइनस थ्री बी, और प्लस सिक्स उधर जाके बन गया, सॉरी माइनस सिक्स उधर जाके बन गया प्लस सिक्स। सॉल्व करने पे नाइन ए में से सेवन ए तो कन्वर्ट होके बन जाएगा टू ए, इसको सॉल्व करने पे बन जाएगा फोर बी प्लस सिक्स। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू आई थी मेरी फाइव बी। इसको अगर मैं इक्वेशन, अभी तक मैंने नाम दिए नहीं है, तो इसको इक्वेशन वन ही कह लेते हैं और इसको इक्वेशन टू कह लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहां से इस वैल्यू को यहां रखने पे पुटिंग ए इक्वल टू फाइव बी इन इक्वेशन सेकेंड, तो ए की जगह पे क्या रख देना है फाइव बी। तो टू ए की जगह पे फाइव बी इज इक्वल टू फोर बी प्लस सिक्स, ये हो जाएगा आपका टेन बी इज इक्वल टू फोर बी प्लस सिक्स, फोर बी इधर आ जाएगा, तो टेन बी में से फोर बी माइनस हो जाएगा, उधर से पूछेगा सिक्स, ये हो जाएगा सिक्स बी इक्वल टू सिक्स, यानी बी इक्वल टू वन। तो बी की वैल्यू मेरी आ गई वन। अब मुझे सिर्फ ए की वैल्यू ढूंढनी है, तो ए की वैल्यू यहां से ढूंढी जा सकती है पुटिंग बी इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन पे बी की वैल्यू रखने पे, बी की वैल्यू रखूंगा तो ये बन जाएगा फाइव। ए इक्वल टू क्या था फाइव बी, ए इक्वल टू हो जाएगा फाइव इंटू बी की वैल्यू आई थी वन, ए की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी फाइव। तो ए की वैल्यू मेरी आई फाइव और बी की वैल्यू आई मेरी वन। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।